मैं हाजी मोहम्मद दस्त, मुस्लिम महासंघ संस्थापक अध्यक्ष। उदयपुर डेली हंट के माध्यम से मैं हमारे उदयपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को, भारत वासियों को और जितने भी मुल्क दुनिया के हैं उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मालिक से यही दुआ करता हूँ कि जिस तरह से हमारे मुल्क में जो बवा आ रही है, मालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मालिक इस बवा को ख़त्म करे, सुख शांति, अमन चैन, भाईचारा इस हिंदुस्तान मुल्क में पैदा करे। यह हिंदुस्तान हमारा सबसे प्यारा अजीम मुल्क है। हमारे यहाँ आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए, आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के अंदर ही उनका कदम था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, जिनके सत्य में ये मुस्लिम आलम के लिए ये तशरीफ़ लाए हैं, ये पूरी दुनिया के लिए हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए। आपके आने के बाद में जिस तरह से जो लड़कियाँ जिंदा दफन होती थी उनको उन्होंने बचाया, लड़कियों को बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो दी। हम यही उम्मीद करते हैं कि उनके सत्य में ये कायनात में जितने भी हैं कायनात में वो सभी खुशहाल रहें, मोहब्बत अग्रस्त रहें और हमारे भारत की, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब वो बनी रहे। आपके चैनल से मैं सभी को पुनः जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सभी को तहे दिल से मुस्लिम महासंघ की ओर से, मेरी ओर से आपको सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मिलादुन्नबी पर मैं सभी उदयपुर वासियों को, सभी राजस्थान, पूरे भारत, पूरे विश्व को मुबारकबाद देता हूँ। और इस मौके पर हमको कुछ सीखना चाहिए कि हमारे हजूर ने क्या क्या बताया, क्या क्या हदीसें हैं, उस पर चलना चाहिए। और मेरा तो यही कहना है कि हमारे कुरान पाक में जो सबसे पहले जो हदीस उतरी थी, जो आयत उतरी थी, इकरा, पढ़ाई कर कीजिए। हमको तालीम लेना बहुत ज़रूरी है। तालीम लेने से ही हम दुनिया को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने वतन को समझना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमको हमारे वतन भारत के प्रति मोहब्बत, भाईचारा और मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ ही लाइव प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ से 28 नवंबर को हम सामूहिक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें सभी धर्मों का आगाज़ होगा। मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ चैनल के माध्यम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शादी समल के अंदर अल निकाह बिन सुन्नती का पैगाम जो है उसका पूरा कीजिए। और ये सोसाइटी रोज़गार पर, तालीम पर और हर काम के अंदर समाज के उत्थान के लिए, भारत की मुख्य धारा जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। और मेरे पूरे जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो कंधा से कंधा मिलाकर इस सोसाइटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं और मुझे हर का सहयोग मिलता है, प्रशासन का मिलता है, पत्रकार का, मीडिया चैनल का। आज जो हम हैं इन्हीं की बदौलत हैं। और मैं आपको वापस मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पर आप भाईचारे का एक पैगाम दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जय भारत। मैं फिरदौस खान, प्रिंसिपल गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर, जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मेरी ओर से आप सभी को दिली मुबारकबाद पेश है। जश्न ईद मिलादुन्नबी मौका है इंसानियत का, जश्न ईद मिलादुन्नबी मौका है प्रेम का, जश्न ईद मिलादुन्नबी मौका है आपसी सद्भाव का। मैं चाहता हूँ कि इस त्यौहार के संदेश के रूप में हम सभी देशवासी आपस में प्रेम से रहें, मिलजुल कर देश हित में काम करें और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण हम लोगों के बीच में बना रहे। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सदके, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपना मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पाए, हमारे मुल्क के नौजवान आपस में मिलजुल कर रहें और देश हित में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करें। एक बार फिर मेरी ओर से जश्न ईद मिलादुन्नबी की ढेर सारी मुबारकबाद आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
यौम विलादत पर तमाम दुनिया वालों को और अहले सुन्नत को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जितने भी दुनिया के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, उन तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद। और उदयपुर डेली चैनल के माध्यम से मैं इस तमाम उदयपुर वासियों को भी बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ और तमाम उदयपुर वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना की इस महामारी की टाइम में, इस बुरे वक्त में, अपन को मास्क, सैनिटाइजर और दूरी बना के रखना चाहिए। और जो अपन जो दो साल से करते आ रहे हैं, उसी प्रकार अपन को ये मुबारक मौका अपने घरों में विलादत मनाना चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। एक बार फिर मैं डेली उदयपुर के माध्यम से तमाम अहले सुन्नत को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मुस्लिम लाइफ केयर टीम की तरफ से जश्न ए मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस दुनिया में फैली वबा, बीमारी और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन चैन कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अय्यूब हुसैन, मैं अपने एमपी रेस्टोरेंट और एमपी रेस्टोरेंट के परिवार की तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में सभी मुसलमान मोमिन की मुसीबत परेशानियों को दूर करे और हमारा आने वाला वक्त कामयाबी से भर दे और हमें कामयाबी अता फरमाए। मोहम्मद हनीफ, मुस्लिम महासंघ प्रदेश अध्यक्ष, मुस्लिम महासंघ की तरफ से आप सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को मुस्लिम महासंघ की तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे प्यारे हबीब के सदक़े में जो कोरोना नाम की बीमारी जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, इसे जल्द से जल्द निजात दिलाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये हमारा जो हिंदुस्तान का भाईचारा गंगा जमुना जो तेज़ी पे बनी रहे और जो सांप्रदायिक ताकतें देश का माहौल ख़राब करने के अंदर जुटी हुई है उनकी हार हो। साथ ही मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जिसने ईद मिलादुन्नबी खुशी के साथ मनाएं और आपसी भाईचारे को कायम रखें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद मिलाद बनाएं। इसी के साथ आप सबको एक बार फिर मैं मुस्लिम महासंघ और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, मैं मोहम्मद ज़ुबैर खान, मुस्लिम सेविंग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाउंडर, ज़कात वेलफेयर फाउंडेशन का फाउंडर, मुस्लिम महासंघ का प्रदेश संयोजक के नाते मैं आप सभी को, सभी उदयपुर शहरवासियों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और तमाम सभी लोगों से मेरी इल्तिजा है कि मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम जो सरकार का है वो फैलाते रहें और आपसी मोहब्बत से रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं सलीम हुसैन, सभी उदयपुर वासियों को ईद मिलादुन्नबी की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो कोरोना महामारी जो आई है इसको जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल के अंदर। और आप सभी को डेली उदयपुर की ओर से मैं आपको ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।